अगर आपने SSC में जाने का तय किया है तो आपके बच्चे को अकॉर्डिंगली मेहनत भी करनी पड़ेगी। करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, बोलेंगे बच्चे पे लोड ज़्यादा है, स्ट्रेस है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, वीक है। तो बोर्ड्स का चुनाव आपके बच्चे की ग्रोथ, उसका जो ग्राफ चल रहा है उसके हिसाब से, और उसका नेचर और आपके घर का माहौल, इन चीज़ों पर बहुत डिपेंड करता है। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार अगेन डियर पेरेंट्स, अभिभावक। ये वीडियो आज एक बहुत ही अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है जो कि पेरेंट्स को अलग अलग बोर्ड्स की तुलना करने में मदद करेगा। हमारे बच्चे CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं, ICSE बोर्ड में पढ़ते हैं, IB बोर्ड हैं, और कई और स्टेट्स के भी अपने बोर्ड हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं कवर करूँगा सिर्फ दो बोर्ड्स पे, CBSE और ICSE। इसकी कुछ विभिन्नताएं बताऊंगा और बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बच्चों पे क्या गुजरती है जब वो पढ़ाई करते हैं इन अलग अलग बोर्ड्स में, ये बातें आपके साथ शेयर करूंगा। जो पेरेंट्स इन बोर्ड से संबंध रखते हैं, यानी जिनके बच्चे इन बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, उनके लिए वीडियो ज़रूरी है देखना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले CBSE बोर्ड एक बेसिक बोर्ड है जो बच्चे को उस स्टेज की हर क्लास की इन्फॉर्मेशन एक बेसिक रूप से देता है। अब बेसिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है, हम किसको मानेंगे? सो बेसिक, हमने NCERT के बुक्स को, CBSE सिलेबस को एक बेसिक बोर्ड मान लिया। अब सीधी सीधी तुलना ये होती है कि अगर CBSE बेसिक है तो ICSE बोर्ड क्या है। तो ICSE बोर्ड मेरी नज़र में थोड़ा सा डिटेल्ड है, यानी उसकी जो कोर्स कवरेज है वो ज़्यादा है, कंटेंट जितनी डेप्थ में है वो ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं CBSE में, शायद उससे कुछ हद तक ज़्यादा हो। अब अगर CBSE बेसिक है तो ICSE को मैंने थोड़ा सा डिटेल्ड या एक्सपेंसिव बोला है, यानी थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा है। अब ज़्यादा बड़ा से क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी इरादे, जो भी चीज़ें हम चाहते हैं बच्चे सीखें, वो कितने बिंदु हैं, कितनी विभिन्नताएं हैं, हर विषय में ICSE में CBSE से ज़्यादा है। सवाल जो पढ़ाई करते समय बनते हैं, जिनसे हम एग्ज़ाम देते हैं, वो सवालों की कवरेज भी CBSE से कहीं ज़्यादा ICSE में है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर आप एरिया वॉल्यूम से कोई चैप्टर ले लें क्लास 9th के ICSE बुक में, उसमें आप 200 क्वेश्चंस बना पाएंगे इजीली, और वो बुक में दे भी रखे होंगे, और वही संख्या शायद 100 भी टच नहीं करेगी CBSE की किताबों में। उसी तरह से अगर आप इतिहास की किताब लेंगे CBSE की क्लास 7th की, तो उसमें शायद आप 60-70 सवाल मुश्किल से बना पाएंगे सब कुछ मिला के, और वही किताब अगर आप ICSE की लेंगे तो आप 150 से ऊपर जा सकते हैं। अब जो भी एग्ज़ाम होता है बच्चे की लाइफ में, सवाल बता के तो आते नहीं है कि यहाँ से आएगा ऐसे आएगा, वो एग्ज़ामिनर टीचर की मर्ज़ी है क्या बनाए वो। तो जब आपका रेंज पूल 70 से बढ़ के 150 हो गया, तो जाहिर सी बात है बच्चे को अच्छा करने के लिए अब 70 करने थे पहले, अब 150 करने पड़ेंगे। 150 तैयार करने के लिए मेमोरी में थोड़ा सा जोर भी देना पड़ेगा, प्रैक्टिस ओरल और रिटन ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें होंगी तभी आप अश्योर्ड होंगे कि आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, वरना जो पार्ट आपने नहीं किया उससे पेपर आ गया तो आपके बहुत खराब नंबर आएंगे। तो माता पिता के तौर पे आपको ये देखना है कि ICSE बोर्ड आपके बच्चे को ज़्यादा टेस्ट करेगा, उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसको ज़्यादा बैठना पड़ेगा, उसको रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, और तभी वो एक्सेलेंट रिजल्ट चेज कर सकता है। कुछ बच्चे कर सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। माता पिता ICSE बोर्ड में इसलिए भी भेजते हैं कि बोर्ड एक्सपेंसिव है, ज़्यादा है, तो बच्चे को पढ़ाई की आदत पड़ेगी, पढ़ाकू बच्चों की संगत में होगा और वो लोड देगा तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। लेकिन इसी लॉजिक पे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी काम करते हैं। अगर हर कोई ये सोचे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ICSE पढ़ाई करने से फ़ायदा होगा, तो जो सारे बच्चे CBSE में NCERT की किताबें पढ़ रहे हैं, फिर तो उनका कोई फ्यूचर ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से
आईसीएसई में एक्सपेंसिव जो बड़ी पढ़ाई है वो उसको करना चाहिए जिसको उतनी डेप्थ और नॉलेज लेने में अच्छा लगता है। अदरवाइज सीबीएसई इज़ फॉर यू। अगर आपको मज़ा आता है ज़्यादा पढ़ने में, गहराई में जाने में, ज़्यादा याद करने में और ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने में, तब आईसीएसई आपके लिए अच्छा है। पेरेंट्स को ये देखना है कि बच्चे का ओरिएंटेशन माइंडसेट किस तरह का है। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो सीबीएसई में ही पहले स्ट्रांग बन के दिखाएं। बच्चे चाहे जिस भी बोर्ड में हो, उनकी एक हैबिट होती है कि जितना भी क्वांटम है, जो क्वांटिटी है, उसको लास्ट दिन तक पेंडिंग रखते हैं, मतलब कवर नहीं करते। लेकिन अगर आदत डाल रखी है पढ़ाई की ठीक से, तो वो रिकैप्स या जो रिविजन्स आपके हैं वो सीबीएसई में भी बार बार कर सकता है बच्चा, और आईसीएसई में भी। लेकिन आईसीएसई में वॉल्यूम ज़्यादा है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, वैरायटी ज़्यादा है, और ये आप इससे भाग नहीं सकते। इस चीज़ से वो है तो है, आप ये नहीं बोल सकते कि सीबीएसई में तो 50 क्वेश्चन से ही बनता है तो आईसीएसई में भी 50 से बनेगा। वो बुक में इतनी सारी विविधताएं हैं, आप किस किस को कंट्रोल करेंगे कि मेरे बच्चे के लिए क्वेश्चन नहीं बनाओ। तो अगर आपने आईसीएसई में जाने का तय किया है तो आपके बच्चे को अकॉर्डिंगली मेहनत भी करनी पड़ेगी। करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, बोलेंगे बच्चे पे लोड ज़्यादा है, स्ट्रेस है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, वीक है। तो बोर्ड्स का चुनाव आपके बच्चे की ग्रोथ, उसका जो ग्राफ चल रहा है उसके हिसाब से, और उसका नेचर और आपके घर का माहौल, इन चीज़ों पर बहुत डिपेंड करता है। इसके हिसाब से आई थिंक यू शुड चूज़ द बोर्ड फॉर योर चाइल्ड। किसी और के कहने में ना आए, अपने बच्चे को, उसके ग्रोथ को, अपने घर के माहौल को, जो आप सपोर्ट दे सकते हैं उससे चलेंगे तभी होगा। इसमें सिर्फ ट्यूशन पर रिलाय ना करें कि सिर्फ ट्यूशन में कोई देख लेगा। हमें 24 घंटे का हिसाब अच्छी तरह से रखना है, तभी हमारे बच्चे जिस भी बोर्ड में अच्छा कर पाएंगे। सो इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ रैंडम बातें शेयर करी ताकि आप लोग आईसीएसई बोर्ड्स को और सीबीएसई बोर्ड्स को पहचाने, उनका थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है, जो एक लेवल है कम ज़्यादा का, वो पहचाने। एंड आई एम श्योर आप इसको जानकारी को लेकर अपने बच्चे के लिए सही फैसले ले पाएंगे। सो अगर कुछ विचार हैं आपके तो उन्हें कमेंट्स में लिखिएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।